राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय। आइए कथा शुरू करते हैं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चार द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास चार रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की स्थापना करके पूजन करें। वर्ती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वाशी को भगवान उठे। त्रोशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें और हवन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। उसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों में और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे समय कृति से कार्तिक का व्रत करने वाले संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्तम। आज इस अध्याय में हमें बताया गया है कि हमें कार्तिक के व्रत का और माघ के व्रत की किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, पूजा होम करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और ब्रह्म भोज भी करवाना चाहिए। तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे बाकी के अध्याय जरूर सुने। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री राधे मोदी जरूर लिखें, आगे शेयर करें। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।